हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टोमेटो को करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये साउथ इंडियन स्पेशल है। और फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, मेरे वीडियो को देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कीजिए मेरा नया नया वीडियो पाने के लिए। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, आप चाहो तो कढ़ाई में भी कर सकते हो, क्योंकि जल्दी करने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर का यूज किया है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दो सिनेमन स्टिक लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ, और 3 लौंग लिया है, और इसमें मैं रेड चिल्ली 5 फोरन भी ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ा क्रैकल होने के बाद हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता क्रैकल हो चुका है, और अब हम इसमें ग्रीन चिल्ली और ओनियंस डालेंगे। अब मैं इसको हल्का सा सत्ते करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करती हूँ। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। अब मैं इसको थोड़ा फ्राई करती हूँ। नमक डालने से प्याज थोड़ा जल्दी पक जाता है। अब मैं प्याज को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मसाला लिया है, इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 कोकोनट और जिंजर गार्लिक। आप चाहो तो जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्टली इसमें दे दिया है। धनिया और थोड़ा सा काजू लिया है, इससे मैंने पेस्ट बनाया है। अब मैं इसमें ये सब मसाला ऐड कर देती हूँ। अब मैं इसको थोड़ी देर भूनूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करती हूँ, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, ये थोड़ा तीखा वाला रेड पाउडर भी ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर दिया है। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। अब मैं ये सारे टमाटो को भी इसमें ऐड करूंगी। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो 250 ग्राम टमाटो लिया है, इसे राइस, रोटी, चपाती, पूरी किसी के भी साथ खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए मसाला का लुक कितना अच्छा आ रहा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और इसे मिक्स कर देंगे। अब मैं प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा देती हूँ। इसमें हम 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। 1 सीटी आने के बाद ये देखिए, सीटी हमारा आ चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और सीटी जाने तक हम वेट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए, टमाटो बिल्कुल भी 1 सीटी देने से बिल्कुल भी मेल्ट नहीं किया है। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स ऐड करती हूँ।
गैस की फ्लेम को मैं थोड़ा कम कर देती हूँ। हमारा करी हो चुका है लगभग, अब मैं इसको बंद कर देती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करती हूँ। ये देखिए करी अब हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा लग रहा है आपका अनुभव मेरे चैनल प्रतिमास किचन में शेयर कीजिए।